हेलो दोस्तों, नेटफ्लिक्स के ऊपर एक अरबी मूवी यानी कि सऊदी अरब की एक मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है फ्रॉम द एशेस। अब ये मूवी कैसी है, इस मूवी के ऊपर आप लोगों को अपना कीमती वक्त देना चाहिए भी या नहीं, यही सारी बातें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन मूवी की रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट ये है कि दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मैं लाता हूँ रोज़ाना आप लोगों के लिए इसी तरीके से हॉलीवुड की मूवी जब हिंदी डब में आ जाती है तो उसकी रिव्यू। तो दोस्तों ये मूवी भी आप लोगों को आप इजीली हिंदी डब के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। तो चले दोस्तों अब चलते हैं इस मूवी की रिव्यू की तरफ। तो मूवी की कहानी जो है कुछ ऐसी होती है कि अमीरा नाम की लड़की होती है जो कि क्लास में सबसे अच्छी पढ़ती है, ये बहुत अच्छी पढ़ती है, और इसकी जो दोस्त होती है वो होती है प्रिंसिपल की बेटी। लेकिन इसकी क्लास के अंदर कुछ लड़कियां होती हैं जो इसको तंग करती हैं। तो एक दिन क्या होता है कि ये एक स्टोर रूम में जाती है और वहां इसको कोई बंद कर देता है और वहां पर लग जाती है स्कूल में आग। तो बस इस मूवी में फिर आपको यही देखना है कि अमीरा उसमें से बच पाती है नहीं बच पाती, और ये राज कैसा होता है कि मतलब ये आग किसने लगाई और इसको किसने बंद किया। दोस्तों अगर ओवरऑल बात करें इस मूवी की तो मूवी बहुत अच्छी है। मैं मूवी को देखने जब बैठा हूँ तो मूवी ने जो है ना मेरा अच्छा खासा टाइम पास करवा दिया है, और सेकेंड हाफ से मूवी ज़्यादा अच्छी हो गई, और एंड में ये मिस्ट्री पता चलते चलते जो है ना एक इंटरेस्टिंग सा बन जाता है कि यार आखिर जो है ना इसको किसने बंद किया है। क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है तो उस दौरान लगता है कि यार इसके ऊपर शक है, यही होगा इसके ऊपर शक है इसके ऊपर, तो बस फिर एंड में यही पता चलता है कि आखिर में कौन है। तो मूवी एक अच्छी वन टाइम वॉच मूवी है, मतलब एक दफ़ा तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। दोस्तों मेरा तो मूवी को देख के जो रिव्यू है वो पॉजिटिव है। आप लोगों को ये मूवी कैसी लगती है मुझे कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें।